पिता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार भी खाना पड़ेगा। माता पिता का जमाना था, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। आज बेटे और बहू का जमाना आया तो इतनी संपत्ति होते भी बीमार खा रहा हूं। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को अचानक क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से भोजन भी नहीं मिला, मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी। सीता, तुम घबराओ नहीं, देखो ये बहू है, पराई है, कोई ऐसी सगी तो है नहीं जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा नहीं, तब देखना क्या होता है घर में। हमारा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा और बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके खुद लेकर के आएगा और कहेगा कि बाबूजी खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ अपने औलाद को, अरे पराई है, ये क्या ख्याल रखेगी। चलो बैठो। आ गए बच्चा, बड़ी अच्छी बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, दिल खुश कर दिया बेटुआ। वाह पिताजी वाह, कर दिया, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग। पिताजी, आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बातें क्या है। कि बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। बोली की सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोले की बात क्या है। शमर, आज आज तो तू बेटा होने का हक ही अदा कर दिया बच्चा, कि आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके और लाइसेंस निकलवा करके तेरे को दिया था कि हमारे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन वही रिवॉल्वर मेरे सीने पर रखी जाएगी। मालूम है शादी के 20 वर्ष बाद तूने जन्म लिया था बेटे। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, इतनी बड़ी जागीर का कोई वारिस मेरे पास नहीं है। लेकिन जब 20 वर्ष के बाद तूने जन्म लिया तो हम लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम एक बुढ़ापे का डंडा तो आ गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, अरे सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पे आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े गांव में बंटवा दिया था, लाखों रुपए गरीबों में बांट दिया था, कि आज इन्हीं लोगों की दुआओं का असर है जो आज मेरे को एक बेटा मिल गया। आज कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, ये दोनों आंख से चली गई और मैं एक आंख से चला गया।
अब क्या बचा है हम लोगों की जिंदगी में? हम लोग खुद ही नहीं रहना चाहते इस घर में बच्चा। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा तो तुमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस घर के अंदर मेरे बदन को सजाया गया है। खून करने कि तुझको जरूरत समर खून करने की तुझको जरूरत नहीं। शौक से तो नो खाने को कुछ नहीं दिया बच्चा। अरे तू तो मेरा बेटा है, कम से कम थोड़ा सा आटा दे दे बच्चा। हम लोग बाहर जा करके भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम लोग। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो, मेरी पत्नी इस घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है मां नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है मां तो मेरी पत्नी है मां नौकरानी नहीं, आज के बाद कुछ है तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। ओए बुढ़े कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ चाहे सारे भूखे मर जाओ, जाओ कहीं भी चले जाओ, मुझसे मतलब आज के बाद नहीं है। क्या होगा, लगता है भूखो ही मरना लिखा है नसीब में, और हम गांव के अंदर खाना नहीं मांगेंगे, भले ही मेरी जान चली जाए, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि बड़े घर में ये सब हो रहा है, एक जमींदार के घर में ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के खाना नहीं मांगेंगे। या भगवान, ये सब क्या हो गया? जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया,
कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा है कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। भगवान ये सब क्या हो गया? ऐसा सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं? इसी तरह देखो तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। ये सब बहू की वजह से हुआ है। लगता है बहू ने मेरे बच्चे को बढ़ा चढ़ा करके कुछ बता दिया है, इसीलिए मेरा बच्चा गुस्से में आकर के ऐसा बोल गया। आज तक मेरा बेटा मेरे सामने कभी चार पाई पे नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूंगा कि मेरा बेटा गलत है? ये सब बहू की वजह से ऐसा हो रहा है। अब ये जब जाएगा नहीं और एकांत में बैठ करके सोचेगा हम लोगों के विषय में, तब इसको पता चलेगा। बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा और कहेगा कि बाबूजी मुझसे गलती हो गई, खाना खा लो। मैं जानता हूँ अपने बेटे, बिटिया तू अंदर जा। अगर ये नालायक बहू के साथ में मारपीट करने लगे तो तू फौरन भाग करके मेरे पास आना, बड़े वाले फाटक पे हम लोग बैठेंगे, मैं आ जाऊंगा। नहीं तो अगर बिटिया को कहीं चोट चपेट उसको लग गई तो फिर बात नहीं, परेशानी होगी, मारने ना पाए। चल माँ को ले चल। भैया गए रहे हैं माई बाबू के लाए। क्या हुआ? हम हो पिछवा गए रहे, लेकिन कमरवा में घुसे रहे, बता बतला तो रहे, हम कनवा आए हैं, बराबर समझ नहीं पावा। ये बताओ खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बनाई, लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आए तब तो खाना दूंगी। हाँ, मैं आज भूखे मरी। खाना फैसला करके दिखो ना, भले कि हो खाना बना लियो, नहीं आज लॉकडाउन लागे, होटल सब बंद। चल कोई बात नहीं, आने दी। क्या हुआ स्वामी जी? आज मैं इश्क के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब नहीं समझी हो? आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जानती थी मेरी स्वामी जी मेरे दर्द। अरे यार, तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं, ये तो नामुमकिन है। क्या हमारी लक्ष्मी पर कोई जुल्म करे और मैं सहूं? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला। हाँ हाँ महालक्ष्मी। वैसे कुछ हद तक सही करे। क्या महतारी बाब, तुम जौने गांव के हो वही गांव मिल जाए। इतना मेहरारू कहां नसीब। सत्य कहते हो, कैसी लक्ष्मी कहां मिलेगी? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला। हाँ हाँ महालक्ष्मी। यार देखो प्रिय, तुम क्या देख रहे? साले बदतमीज कहेगा। प्रिय भोजन बनाया? क्या रे? कच्चा पक्का सब मिली। ये क्या? अरे कच्चा पक्का कौन खाएगा? खाला पड़ा चाहे जो खाओ। प्रिय चाहो फिर भोजन लेकर आओ, हम लोग भोजन करते हैं। देखो बहू के घर में घर के खाए चाहे ना खाए,
भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। खाना नहीं बना चांदनी तो तुम्हें कहां से दे दूं? मेरे भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं तो अंतिम और बूढ़े बाबू के लिए मांग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो मेरे भाई। खाना नहीं है, कोई बात नहीं है भैया। भैया दे दो राशन मेरे भाई, दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं, दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं, अल्दी बाबू करो वरना अब सारे रो रो के मर जाएंगे। भैया खाना नहीं है तो मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए, मैं खुद बनाकर खिलाऊंगी मोहर बाबूजी को। चले मैंने कहा कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तुम जाओ यहां से। नहीं भैया भगवान के लिए सब मत बोलिए, मोहर बाबूजी बहुत भूखे, मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। मैंने कह दिया कि कुछ नहीं, तुम जाओ यहां से। भैया आपके पांव पर तेरे भैया बता रहे खाना नहीं बना, कहां से लगे तेरे, ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। पेटू को देखो, पेटू को हराम खोर। चांदनी याद है अपना खाने में लगा हुआ हराम खोर। नालायक कहेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम साले खा रहे हो। अच्छा तो तुम साले ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? ये क्या हो गया? अभी तो तुम इसे खिला रही थी, थाली कहाँ चली गई? यही बात तो मैं समझ रही थी, वो क्या गई? हमें लगता है कोई बिल्ली आई और ले गई।
अरे स्वामी जी, बिल्ली आएगी तो रोटियां खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी, थाली भी नहीं यहाँ पर। ये भी बात ठीक कह रहे हो, अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं ले जाएगी। तब त्रित दिन के सिवा चौथा ये कोई है नहीं, तो कौन ले गया? चौथा है स्वामी जी, मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई यहाँ से। चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी, क्योंकि वही आई थी यहाँ पर। प्रिय देखो, अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो? ले गई है तो ले जाने दो, खा लेने दो, उसे भी दो। चलो तुम दूसरा भोजन तैयार करो, फिर हम लोग भोजन करते आओ मेरे साथ। बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो आराम चांदी रोटियां चुरा करके ले गई और कहते हैं ले गई तो ले जाने तो खा ले दो से। वो चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाए। ये आ गया कार्टून। गाला फंस गाला, लाओ भौजी खाना लाओ। मारूंगी थोड़ा पीछे हो जाओ। ये बॉटल कहां से लेकर आए रे? या तो लाइटिंग वाला है। हे भौजी पानी है, पानी को मिलता ही नहीं रहा, एक बोला लाइटिंग जाता आपका, लाए आओ ही। दक, 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 चल दूर रख इसे। खाना लाओ। सारी रोटियां गायब हो गई और मुझे लगता है चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई यहाँ से। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाने दो, खा ले दो उसे। वो भैया नहीं, भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो उस दुदमुही बच्ची की इतनी बड़ी औकात के सामने से पासी थारी ऐच लग गए। यही तरह आदत पड़ रही, करोलन के गहना गुड़िया पहने रहा तो एक दिन गहना गुड़िया चला ले जाए। होशियार हो जाओ। ऐसा होगा नहीं समय के अंदर। उस राम चाहे कितनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ में भी रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक दीवाना नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी दिखाई पड़ती है तो आकर मुझसे खबर करो। अगर मिल गई ना, ऐसा हंस करूंगा सराम जादी का कि देखने वालों को रूह कांप उठेगी। आके मिलती है तो आकर मुझसे खबर करो। हराम खोर छुबुल की, एक तो इतने दिन से लड़ाई चल रही, खाना नहीं मिल रहा, मिलत मिलत मिलबो वो तो उठा ले गए। आवा तो भौजी धई दे तो है नदी पला। आज खाना बना है घर में? हाँ खाना बना है। जब मैं बड़े वाले फाटक के करीब पहुंचा नहीं तो खाने की खुशबू आ रही थी। आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, जरा सुनाई कम देता, समझ तो नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ खाना बना है। हाँ मुझे। अरे बच्चा देखे, मैं खाने लेके आ गई हूँ। अरे पूरी पूरी बनी है, समर ने दिया ना बेटिया? हाँ बाबूजी, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा गलत नहीं है, ये सब बहू की वजह से ऐसा हुआ है। अब मेरे बेटे को समझ में आया है, अब देखो घर में कैसे कोहरा मचता है। तूने खाया बेटिया? हाँ बाबूजी मैंने खा लिया। चल, 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 जहाँ
अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफना दूंगी, समझ लेना। अभी भी समझा रहे हराम खोर, दे दो चार दिन की जिंदगी बची है, छोड़ दे इसको। मारने के लिए छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मार तू मुझे। हराम खोर नहीं छोड़ेगा। गुनाह जानना चाहता हूँ। पांच अपनी बहन से क्या किया है मेरी बहन ने? कि रोटियां क्यों चुरा कर लाई पांच से? रोटी चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ ही नहीं मार रही हो? आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के मारे तलब कर मर रहे हैं, इनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर जरा सा भी ख्याल नहीं आया है? काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही सलूट करती जो आज इनके साथ कर रही हो? और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के यहां से नहीं। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई, कमाता कौन रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है, और मार रही है तुमको, मार रही हूं, वकालत करने के लिए बीच में आ गया। सबसे पहले तो ये बोल रही, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता है बीच में बोलने वाला? ये है तो मेरे पति कि मेरे बाबूजी हैं, मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे सासू जी हैं। मारती हूँ तो अपने सासू जी को मारती हूँ, ससुर जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? ऐसा मनहूस औलाद है जो अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी कितना निकल आ गया? जन्म लेते ही नहीं। जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। रहील के बीच में बोलने वाली बात कि मैं कौन होता हूं, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए। देखो हम जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। तुम क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो तुम उनके साथ जिंदगी बर्बाद करती? ये अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते थोड़ा सा अधिकार हमारा भी बनता है इनकी तरफ बोलने का। और हाँ, अगर आप खाना नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन जो हवेली देख रही हो, देख रही ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं, और जो 200 बीघे जमीन है 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए,
मैं लोगों को अपने हाथों से बनाकर और कमाकर खिलाऊंगा, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी मां के एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। बहुत अच्छे सर में बात करे विमल सिंह, आज हिस्सा लेने देने की बात आ गई। हिस्सा चाहिए सवेरे पे, ले लेना चंदा दीदी दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन सवेरे भी हिस्सा लेने के आना, जिस दिन सवेरे भी हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना, ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा में क्या मिलेगा, इसी वक्त दे रही हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ का दर्जा दिया हूँ ना, इसलिए मजबूर हूँ। बुढ़ी बुढ़ा ये लो, तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली, जाकर गांव के अंदर भीख मांगो, इस थाली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें अगर ये लोग चाह ले तो भी तुझे अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दे, घर से बेघर कर दे, कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। अरे इनके पास इतनी दौलत है कि अगर ये जिंदगी भर बैठ कर खाए फिर भी कभी कम नहीं होगा, गैर भी इनका सहारा देने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप कहती है कि गली गलियारों में भीख ये मांगेंगे, भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें विमल सिंह, ये तो वक्त बताएगा कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन इस सम्राट की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, चंदा देवी के गाल पे तमाचा मारा है, जिसे प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। तमाचा नहीं विमल सिंह, अपनी बात का दावा किया है, मारक तेरे भैया को हराम चादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी, अगर खून का स्नेह लाई चली जाओ भाभी जी, तुम मेरा बिना। अरे ये कौन सा कर्ज उतार रहा बेटा, कौन सा कर्ज उतार रहा तू, आज तो जालिम बहू से हमारी जान को बचा लिया, नहीं तो आज तो मार ही डालती। आज तक मैंने कभी अपने पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा, हमेशा बना करके रखा था ये महल, एक एक रुपया जोड़ करके मैंने खड़ा किया है। जब बन करके तैयार हुआ तो दूर दूर के लोग देखने आते थे कि जमींदार का महल कितना आलीशान बना है, आज हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे हाथ में खाली टीकरा आ गया बच्चा, हो सके तो तुम भी एक रुपया इसमें डाल देना, तुम भी डाल देना, ये हमारा नसीब। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक ये आपका बेटा विमल है आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने देगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे, आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए, लेकिन अपने जीते जी हम आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। नहीं ये क्या कह रहा है, पढ़ाई छोड़ देगा, अरे हम लोगों के लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, हमारे घर में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, मालूम है पिता की जीजी के जमाने में जब हम लोग स्कूल जाते थे दोनों भाई, और कभी कभार जब लेट हो जाते थे स्कूल नहीं जाते थे तो हमारे पिताजी खाना नहीं देते थे, सारा दिन भूखो रहना पड़ता था,
इतनी बड़ी सजा मिलती थी इस घर के अंदर हम लोगों को। पढ़ाई मत छोड़ना, महीने दो महीने की बात है बच्चा, इम्तिहान दे देना, और इम्तिहान देने के बाद जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान से पहले खबरदार घर को मत छोड़ना। बड़े बाबूजी, आप हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हमारी हमारा जीवन तो आप लोग हैं बाबूजी, हम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बाबूजी। नहीं बेटा, अब तो हमारे जीवन का अंत आ गया, इतनी मार पड़ चुकी है कि मैं सह नहीं पाऊंगा। आप सोच तो इस बात का है कि मैं बिटिया को बचा नहीं पाऊंगा, अरे वो जानवर की तरह टूट पड़ती है, मुझ में ताक नहीं कि वो अपनी बिटिया को बचा पाए, हम बिटिया को नहीं बचा पाएंगे। बड़ी बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर हम जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए बाबूजी, अभी हम आप लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या।